प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कौटिल्य आर्थिक सम्मेलन के तीसरे संस्करण को संबोधित करते हुए कहा कि आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी भविष्यवाणी हो रही है उनका आत्मविश्वास भी बताता है कि भारत किस दिशा में है। ये पिछले कुछ हफ्तों और महीनों के आंकड़ों में भी आप देख सकते हैं। पिछले साल हमारी अर्थव्यवस्था ने हर भविष्यवाणी से बेहतर किया। हम भारतीयों को पूरा आत्मविश्वास है कि हम इससे भी बेहतर प्रदर्शन करेंगे। आज दुनिया भारत को निवेश के लिए पसंदीदा जगह मान रही है। आज भारत की ग्रोथ को लेकर जो भी प्रेडिक्शन हो रही है उनका कॉन्फिडेंस भी बताता है कि भारत किस दिशा में है। यह पिछले कुछ हफ्तों और महीनों के आंकड़ों में भी देख सकते हैं। पिछले साल हमारी इकोनॉमी ने हर प्रेडिक्शन से बाहर कहीं बेहतर किया। वर्ल्ड बैंक हो, IMF हो, मूडीज हो, सभी ने भारत से जुड़े फोरकास्ट को अपग्रेड किया है। ये सारे संस्थान कह रहे हैं कि ग्लोबल अनसर्टेनिटी के बावजूद भारत 7+ रेट्स के साथ ग्रो करता है। वैसे हम भारतीयों को पूरा कॉन्फिडेंस है कि हम इससे भी कहीं बेटर परफॉर्म करेंगे। फ्रेंड्स, भारत के इस कॉन्फिडेंस के पीछे कुछ ठोस कारण है। मैन्युफैक्चरिंग हो या फिर सर्विस सेक्टर, आज दुनिया भारत को इन्वेस्टमेंट के लिए पसंदीदा जगह मान रही है। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि ये बीते 10 साल में हुए बड़े रिफॉर्म्स का ही नतीजा है। इन रिफॉर्म्स ने भारत के मैक्रो इकोनॉमिक फंडामेंटल्स को ट्रांसफॉर्म कर दिया है। जैसा एक उदाहरण भारत के बैंकिंग रिफॉर्म्स का है। हमारे बैंकिंग रिफॉर्म्स ने बैंकों की फाइनेंशियल कंडीशन को तो मजबूत किया ही है, उनकी लेंडिंग कैपेसिटी को भी बढ़ाया है। इसी तरह GST ने अलग अलग सेंट्रल और स्टेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को इंटीग्रेट किया है।